नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल अपरिमिताज किचन डायरीज में स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं साउथ इंडिया की स्पेशल चिकन चेटीनाड करी। एक कढ़ाई में करीब 3 से 4 चम्मच सरसों या कोई भी खाने वाला ऑयल लेंगे। अब इसमें 1 किलो चिकन डाल देंगे। चिकन को मैंने आधे घंटे पहले नमक और हल्दी लगाकर मैरिनेट कर लिया है। इसे हाई फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी अच्छे से सूख ना जाए। पानी यहाँ पर अच्छे से सूख गया है, अब इसको निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच ऑयल लेंगे और गर्म होने पर इसमें 4 से 5 बड़े साइज के प्याज को बारीक काटकर डाल देंगे। अब नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। जब प्याज थोड़ा ब्राउन होने लगे तब इसमें 7 से 8 करी लीव्स डालेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब इसमें 4 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। इसे अच्छे से 3 से 4 मिनट भुनेंगे जब तक इसका कच्चा स्मेल ना निकल जाए। अब इसमें 2 बड़े साइज का टमाटर पीस कर डाल देंगे। इसे ढककर कम आंच पर धीरे धीरे पकाना है। अब हम बाकी मसाले भी डाल देंगे। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच। इन सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को अच्छे से ढककर बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। जब मसाला ऑयल रिलीज करने लगे तब इसमें भुना हुआ चिकन डाल देंगे। इसे 3 से 4 मिनट भुनने के बाद इसमें 1 ग्लास पानी डाल देंगे। मुझे सेमी ग्रेवी चाहिए तो मैंने 1 ग्लास पानी डाला है। आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें 2 से 3 ग्लास पानी डालिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर 5 मिनट और पकाएंगे। ये देखिए, आपका मज़ेदार चिकन चेटीनाड रेडी है। इसे चपाती, नान या चावल के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।